2 वर्ष बाद भी सहारा निवेशकों को नहीं लौटा रही है पैसा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त सहारा की नैया डूबती नज़र आ रही है, चाहे वो सेबी द्वारा प्रतिबंधित इकाई हो या चालू इकाइयाँ हों, सबके निवेशक इस वक्त परेशान और हताश और निराश हैं, क्योंकि निवेशकों को पैसा समय सीमा अवधि पूरी होने के वर्षों बाद भी नहीं मिल पा रहा। यही विडम्बना इस वक्त सहारा निवेशकों में देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त सहारा की जो चालू स्कीमें हैं या जो उसने सोसाइटियां आदि खोल रखी हैं, सहारा सोसाइटियों के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। सहारा की जो चालू स्कीम है उनके निवेशक भी परेशान हैं, और जो निवेशक 2008 में सुप्रीम कोर्ट और सेबी की आंखों में धूल झोंकने के बाद जो पैसा कन्वर्ट किया गया, उस पैसे का भी अभी तक कहीं से कहीं तक निवेशकों को देने का कोई प्रावधान नहीं है। एक प्रावधान चालू किया था सेबी विभाग की तरफ से, जिसमें निवेशकों को भुगतान नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया दोस्तों? क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भुगतान सहारा लेकर बैठी थी, जो पैसा सहारा सुब्रत राय ने 21,100 करोड़ रुपया सेवा विभाग के खाते में जमा कराया था, वो पैसा निवेशकों तक नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि दोस्तों कन्वर्ट कर दिया गया था। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जो आपके लिए न्यूज़ लेकर आए हैं, वो दैनिक भास्कर द्वारा दी गई 24 जनवरी 2020 की ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है। सहारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा लोगों को जमा किए गए रुपए का भुगतान नहीं करने पर करीब एक दर्जन से अधिक लोगों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को एक ज्ञापन दिया, जिसमें पीड़ित मनोज जैन, राम सुजान, इक्कीचास खान, राजीव कुमार, धीरेन्द्र शर्मा, ज्ञानेश्वर सत्यनारायण सहित कई लोगों ने लिखा है कि जोत धौलपुर में सहारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 20 वर्ष से कार्यालय स्थापित था। उसके साथ ही जिले के अन्य कस्बों में भी दफ्तर भी बनाए गए थे। कंपनी द्वारा RD एवं FD के नाम पर लोगों को धन जमा करा लिया गया। धन जमा कराते समय ब्याज सहित रुपया भुगतान करने का दावा वादा भी किया गया था। पीड़ितों ने बताया कि कंपनी की पॉलिसी के अनुसार धन निवेश करा दिया गया, लेकिन भुगतान का समय हुआ लगभग 2 वर्ष गुजर गए, फिर भी कंपनी द्वारा निवेशकों का धन रिफंड नहीं किया जा रहा है, जिससे परिवार संचालन का लोगों पर संकट गहरा गया है। सहारा इंडिया प्राइवेट कंपनी के कार्यालय धन वापसी की गुहार लगाते हैं तो गाली गलौच और निवेशकों को भगा दिया जाता है। कंपनी के कई कर्मचारी और नौकरी छोड़कर भी भाग गए हैं। ये भी एक खबर है कि कंपनी के कई कर्मचारी नौकरियां छोड़कर भाग गए हैं। ऐसे में पीड़ित निवेशक धन रिफंड कराने के लिए दर दर ठोकरे खा रहे हैं। पीड़ितों ने धन रिफंड कराने के 7 दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। धौलपुर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देते जाते निदेशक, जी हाँ दोस्तों, ये धौलपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाते हुए निवेशकों को यहाँ दिखाया गया है, और इन निवेशकों की राशियाँ पूरी हो चुकी है, 2 साल से ज़्यादा हो चुका है। खबर है कि जिन ऑफिसों में ये इनकी मोचाटियाँ थी, वहाँ के कर्मचारी इनके साथ गलत सलूक करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और खबर ये भी है कि कुछ कर्मचारी नौकरियाँ छोड़कर भाग गए हैं सहारा के। कुछ ऐसी ही परेशानियों को लेकर ये ज्ञापन कलेक्ट्रेट को सौंपा गया। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको इस न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुँचे सबसे पहले आपके पास। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट